कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सबका स्पीडी रिकवरी हो, जल्दी सुधार हो। नहीं, हमको तो शक था ही क्योंकि इस कैबिनेट के लगभग जो है सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे और सीएम आवास में भी बड़ी मात्रा में जो लोग स्टाफ वगैरह हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे, तो हमको तो शंका थी। हाँ मचाइए। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ उत्कर्ष कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तेलंगाना के लिए रवाना हुए हैं, हालांकि उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी, भोला यादव और सुनील सिंह जो MLC हैं वो भी रवाना हुए हैं। कुछ पार्टी का विषय है जिसको लेकर उन्होंने आज मीडियाकर्मी से बात करते हुए कहा कि आज मैं तेलंगाना जा रहा हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित हुए हैं उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं कामना करता हूँ कि जल्द ही ठीक हो जाएं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप ये सुने। अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं? पहले से भी नहीं, जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सबका स्पीडी रिकवरी हो, जल्दी सुधार हो, उसमें कोई अलग नहीं। लेकिन नहीं, हमको तो शक था ही क्योंकि इस कैबिनेट के लगभग जो है सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे और सीएम आवास में भी बड़ी मात्रा में जो लोग स्टाफ वगैरह हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे, तो हमको तो शंका थी। लेकिन कोई नहीं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो। तेजस्वी जी, एक सवाल है, वैशाली में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है जहां पे 200 रुपए देकर कोवैक्सीन दिया जा रहा है, एक राष्ट्रीय चैनल ने इसको चलाया है स्ट्रिंग ऑपरेशन। इस पे हम लोग गंभीरता से हम लोग दिखवाएंगे जी। सदर अगर ऐसी कोई बात है तो जान मान का नुकसान इससे होता है, ये चीजें जो है। हाँ मचाइए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द ही ठीक हो जाएं। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि मुझे पहले से ही आशंका थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि तमाम बिहार कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो संक्रमित हो गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं डर जरूर था कि नीतीश कुमार भी संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन बीते दिन अगर ऐसी खबर आई है, CMO ने ट्वीट करके जानकारी दी है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं जल्दी कामना करता हूं कि नीतीश कुमार ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, उनसे कई सवाल भी पूछे गए हैं जिस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक खबर भी घटनाक्रम आया है कि जो कोविड का इंजेक्शन है उसको देने में लापरवाही हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि यह गलत है। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दिल्ली भी रवाना होंगे, अकेले नहीं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रीय यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी साथ ही साथ दिल्ली जाने वाली हैं। प्राइवेट जेट से जाने वाले हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से फैलते जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रसित होने का डर जो है वो तेजस्वी यादव को भी सता रहा है, जिस वजह से दिल्ली से विशेष विमान उनके लिए आज पटना आएगा, जिससे वो दिल्ली जाएंगे और लालू परिवार जो है वो मकर संक्रांति इस बार एक साथ मनाएगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।